हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहाँ ओखला फेज टू में हैं दिल्ली, और एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक के शोरूम में है जिसका नाम है पर्पल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। यहाँ आपको सारे ही मॉडल मिलने वाले हैं, एसएल के मिल जाएगा, बैटरी का मिलने वाला है, जीएमटी, आपको ढेर सारे ब्रांड के आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, इवन आपको इलेक्ट्रिक साइकिल भी मिलने वाले हैं। बट आज हम लोग डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे बाइक या स्कूटर बोल सकते हैं या लोडर बोल सकते हैं इसको, कि आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत ही बेस्ट रहेगा इवन फैमिली के लिए भी। और कलेक्शन देख सकते हैं, इस साइड आपको गेट वन प्लस का मिलने वाला है इस साइड, और इस साइड आपको स्टोरी का जो कि न्यूली लॉन्च है, बहुत ही दमदार स्कूटर ये मिलने वाली है आपको, इसका सेल भी काफ़ी अच्छा है। और इस साइड आप देख सकते हैं ये भी बैटरी का ही मिलेगा आपको, और ये गेट सेवन का इस साइड आप कलेक्शन देख सकते हैं जिसको कि आप लोडर और डिलीवरी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं इसको भी। और डिटेल रिव्यू करने वाले हैं हम लोग इस बाइक का, या स्कूटर बोल लीजिए, लोडर बोल लीजिए इसका, इसका मॉडल नेम है गेट वन। ये आपको ये अलग अलग कलर भी दिख रहे हैं, व्हाइट में मिलने वाला है, यह सिंगल टोन कलर मिलेगा, और ये ब्लू में मिलने वाला है। इसका डिटेल रिव्यू करने के पहले हम देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा आता है, एक बार वॉक अराउंड कर लेते हैं, 360 डिग्री व्यू देख लेते हैं। तो फ्रंट से देख सकते हैं, फ्रंट से इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाता है, और सामने आपको बास्केट मिल जाता है लगेज कैरी करने के लिए, और राइट साइड से ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, कुछ आपको स्टिकर वर्क मिल जाएंगे, ग्राफिक्स मिल जाएंगे। और ये रहा इसका रियर सेक्शन व्यू, यहाँ पर आपको बैक रेस्ट भी मिल जाता है प्लेन राइडर के लिए, और लेफ्ट से ये बाइक कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो हमारे साथ है राज भाई, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो इनसे हम सारा डिटेल जानेंगे, ये एक्चुअली किस सेगमेंट में आ जाता है, बाइक में आएगा, स्कूटर में आएगा, किस में आएगा, क्या बोलेंगे सर? ये टू इन वन है, इसको आप बाइक में भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ। इसको आप छोटे स्कूटर में भी कंसीडर कर सकते, लोडर में भी कर सकते, इसको लोडर में भी कंसीडर, यानी कि इसको मल्टीपर्पज के लिए मल्टीपर्पज। जी 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 जी। तो एक एक चीज हम इसका जानते हैं, तो पहले इसके टायर के बारे में बताइए, इसका टायर हमें कैसा मिलता है और साइज वगैरह कैसा आ जाता है? देखिए सर, टायर इसका ट्यूबलेस आता है और अलॉय व्हील के साथ आता है प्रॉपर जी। और इसका जो टायर है, टायर साइज 10 इंच के आसपास होता है इसका, और बढ़िया क्वालिटी का टायर है, कंपनी का टायर है। और फ्रेंड्स इसका ये देख भी सकते हैं इस तरीके का डिजाइन टायर का किया गया है कि आप किसी भी सरफेस पे चलते हैं तो स्किडिंग वगैरह नहीं होने का, और साथ में रिम पर इस तरीके से आपको स्टील फिनिश भी दिया गया है जिससे इसको एक अच्छा लुक भी मिलता है। तो फ्रंट और रियर दोनों साइज बराबर ही है? बिल्कुल सर, दोनों साइज बराबर है। ओके, और ब्रेकिंग सिस्टम कैसा मिल जाता है हमें इसमें? ब्रेकिंग सिस्टम सर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है दोनों में, फ्रंट और रियर दोनों में, फ्रंट और रियर दोनों में ड्यूल ब्रेक सिस्टम मिलता है। हाँ, एक्चुअली लो स्पीड स्कूटर है, 25 किलोमीटर टॉप स्पीड जाता है, तो उसके लिए ड्रम ब्रेक भी है, तो क्वाइट एनफ। यस। और सस्पेंशन वगैरह कैसा मिलेगा? सस्पेंशन आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन होता है इसका। हाँ देखिए इस तरीके से, यानी गड्ढे गुड्ढे में जाए तो हमें जर्क ना मिले, राइड जो हमारी थोड़ी कंफर्टेबल रहे। जी, जी। और रियर सस्पेंशन हमें कैसा मिलता है? रियर सस्पेंशन सर आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है स्प्रिंग में, स्प्रिंग टाइप हाइड्रोलिक सस्पेंशन, यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, ब्लैक कलर में दोनों साइड से लगे हुए मिलने वाले हैं। जी जी। तो लोडिंग का इसमें कैसे है कि लोड हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, सामान को अगर हमें कैरी करना है एज अ लोडर यूज कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए सर, मैं इसमें 130 kg तक का आप सामान लोड कर सकते हैं। ओके, और कुछ आगे रख कर सकते हैं, यहाँ पे काफी स्पेस है, और पीछे भी आप लोड कर सकते हैं सामान इस पे। हाँ, अगर फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो फैमिली के साथ यहाँ जा सकते हैं, बैक रेस्ट भी मिलता है। अगर लोड करने के पर्पज से, लोडिंग के पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर आपको इतना स्पेस दिया गया है कि छोटा मोटा बोरी आराम से कैरी कर सकते हैं, और सामने आपको बास्केट भी मिल जाता है जहाँ से कि सामान आराम से कैरी कर सकते हैं। इवन ये लॉकेबल भी है, इस तरीके से लॉक हो जाता है, इसमें सामान रख करके अगर आप चलते हैं तो आपका सामान जो है सेफ रहेगा, गिरेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसका लाइटिंग वगैरह देख लेते हैं कि हेडलैम्प, टेल लैम्प, साइड इंडिकेटर, ब्रेक लाइट सब कैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, वाओ डिजाइन भी इसको आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है, पूरा ये पेरिफेरी आपको ग्लॉसी व्हाइट में मिलता है, जहां पर कि आपको एसएल एनर्जी का ब्रांडिंग किया हुआ मिलने वाला है स्टिकर वर्क में। एक बार हम लाइट को ऑन करके भी देखेंगे कि ये लाइट कैसा है, एक बार देखिए। वाओ देखिए, आपको एलईडी लाइट मिलता है आपको, यानी कि रोशनी अच्छी मिलती है, अंधेरे में भी आपको विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। और ये रहा साइड इंडिकेटर जो कि येलो लाइट दे रहा है, बट ये भी आपको एलईडी लाइट ही मिलने वाला है, बीप साउंड के साथ आता है, अगर आप रोड पर चलते हैं तो एडिशनल अटेंशन भी रहेगा, वो ऑब्जर्व करेंगे, उससे भी होता है। और ये रहा इसका हॉर्न, हॉर्न भी सुन सकते हैं, हॉर्न भी आपको अच्छा मिल जाता है। और साइड में आ जाते हैं तो ये पूरा पैनल आपको ग्लॉसी व्हाइट मिलने वाला है, और ब्लैक के साथ ये कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी जबरदस्त होता है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं, यहाँ से देखेंगे तो आपको एसएल एनर्जी ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ ये मिलने वाला है, इस तरीके से पूरा लंबा सा।
और ये आ जाता है इसका। तो राज भाई इसका पेडल के बारे में बताइए, क्या इसमें पेडल असिस्ट भी है क्या, कि मतलब बिल्कुल सर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो इसका यूज कर सके? बिल्कुल सर, इसमें पेडल असिस्ट सिस्टम होता है जो कि आप अगर ऑन करके पेडल मारते हैं तो ये बहुत ही बटर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देता है चलाने का। हाँ, जैसे कि नॉर्मल साइकिल होता है तो आपको एफर्ट ज्यादा करना होता है, बट असिस्ट होने से क्या है कि आप हल्का भी देंगे तो स्पीड जो है आपको अच्छी मिलती है। अच्छी मिलती है बिल्कुल। इन्होंने डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा दिया कि कितना आराम से इसको राइड कर सकते हैं। और ये पीछे आ जाते हैं तो ये आ जाता है, वाओ ये बहुत ही अच्छा है और स्ट्रॉन्ग भी दिया गया है, मेटल फ्रेम के साथ ही दिया गया है क्योंकि लोडिंग के लिए यूज करते हैं। तो पूरा आप यहाँ से देखेंगे तो पूरा ही मेटल फ्रेम दिया गया है जिससे कि एक इसको मजबूती रहे कि सामान भी कैरी करें तो कोई दिक्कत ना आए और ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे। और इस प्लेन राइडर का फुटनेस तो बहुत ही अच्छा है कि कंफर्टेबल राइड होने वाला है। और ये पीछे देखेंगे तो पूरा इसका डिजाइन कुछ ऐसा आ जाता है, स्टिकर वर्क में आपको गेट वन लिखा हुआ मिलने वाला है। और इसके रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो रियर सेक्शन ये वाओ ये देख सकते हैं, बॉडी कलर से मैच होता हुआ इसका आपको बैकरेस्ट मिल जाता है, पीछे का पोर्शन आपको ग्लॉसी व्हाइट में मिलने वाला है, फ्रंट में जो है आपको ब्लैक में इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर आपको गेट वन का ब्रांडिंग किया हुआ मिलने वाला है और टेल लाइट और साइड इंडिकेटर वगैरह आपको इसमें मिलने वाला है एलईडी में। और ये आ जाता है नंबर प्लेट की, इसमें वैसे तो नंबर प्लेट की जरूरत नहीं होती है। और ये आ जाता है रिफ्लेक्टर। और लेफ्ट साइड का भी देखेंगे तो आपको डिजाइन वर्क ऑलमोस्ट सेम ही मिलने वाला है, ये आ जाता है फुटेज प्लेन राइडर के लिए। और इस साइड आपको स्टिकर मिल जाते हैं और नीचे मिलने वाला है। और एक बार बैठ कर भी देख लेते हैं कि इसका सीट कितना कंफर्टेबल है और सीटिंग अरेंजमेंट हमें कैसा मिल रहा है इसमें, ये देख सकते हैं। यहाँ ये आ जाता है राइडर के लिए और ये प्लेन के लिए, तो दोनों पर एक बार बैठ कर देखते हैं इसका कंफर्ट लेवल कैसा और क्वालिटी कैसा है। देखिए सीट का लेंथ जो है या हाइट बोल सकते हैं तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर कम हाइट है तो थोड़ा नीचे कर सकते हैं और हाइट अच्छी है तो आप ऊपर भी कर सकते हैं जिससे कि राइड आपकी कंफर्टेबल हो। देखिए बहुत ही कंफर्टेबल है और सीट का पोजीशनिंग भी काफी अच्छा मिलने वाला है, आपका स्पाइन जो है इरेक्ट होगा तो जिससे कि इंजरी वगैरह होने की चांस नहीं होगा या बैक पेन नहीं होने वाला है, बहुत ही अच्छा है, ब्रेक भी अच्छा है। और इनफैक्ट मैं पीछे भी बैठकर देखता हूँ पीछे बैठने पर कैसा लग रहा है, तो पीछे देखिए इस तरीके से सो रहा है, फुटरेस्ट भी मिल जाता है, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और बैक रेस्ट है तो सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा लंबा भी जा रहे हैं तो ठीक है। हम इसका बैटरी मोटर वगैरह देख लेते हैं, तो राज भाई इसका मोटर हमें कैसा मिलता है और कहाँ पर प्लेस है? इसका मोटर सर BLDC हब मोटर होता है जो कि आपके पिछले व्हील में प्लेस है। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ पर इस तरीके जी 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 250 वोल्ट का मोटर होता है पावरफुल, आप 250 वोल्ट की मोटर से आराम से 100 केजी तक का वेट, 130 केजी तक का वेट आराम से लेके जा सकते हैं। तो क्या ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस है? यानी जी जी 100% डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, फुली वाटर प्रूफ है, यानी कि बरसात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छा, यानी आप किसी भी वेदर में चला सकते हैं, डरने की बात नहीं है कि रेनी सीजन में नहीं जा सकते। जी जी। और इसका स्टैंड भी रह गया, देखिए यहाँ स्टैंड भी इसका कितना इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि बहुत ही बैलेंस्ड है, यानी कि सामान के साथ भी खड़ा करते हैं तो गिरने का चांस नहीं है। और दोनों ही ऑप्शंस दिए गए हैं, साइड स्टैंड भी फ्रंट में मिलने वाला है वहां से। मोटर के बाद हम देख लेते हैं कि इसका बैटरी में कैसा मिल रहा है और कहां पर प्लेस है, तो इसका बैटरी में कहां मिलने वाला है, कैसा किस तरीके का मिलेगा? बैटरी सर यहां पे फिक्स होता है, ये चार स्क्रूज होते हैं जी, ये चार स्क्रूज आप खोलेंगे तो इसका जो पैनल है ये हट जाएगा और इसके नीचे बैटरी प्लेस होता है। अच्छा, कैसा बैटरी मिल रहा है इसमें? लिथियम आयन बैटरी मिलता है सर, 2 ईयर वारंटी के साथ, 2 ईयर वारंटी के साथ लिथियम आयन बैटरी। जी जी। वोल्टेज वगैरह करंट वगैरह? 48 वोल्ट 16 AH का बैटरी मिलता है। अच्छा, जो कि हमारे सुपर हिट मॉडल गेट 7 में भी आता है। हाँ, तो सेम बैटरी हम इसमें भी देते हैं, जो ये माइलेज आपको देता है 60 से 70 का। ओके ग्रेट, इतने पावर की बैटरी अगर मिल रही है तो काफी हो जाता है। इसका हम मीटर कंसोल भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं और की और इसमें कैसा आ जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? यहाँ पे सर आपको मिलता है बैटरी का जो परसेंटेज है वो आपको पता चलता है, ये बार के टॉप में मिलेगा राइट? बैटरी बैटरी के जो सेल्स हैं ये चार सेल्स आपको शो करते हैं कि 25%, मतलब एक सेल 15 किलोमीटर आपको चलाएगा। अच्छा अच्छा जी। और यहाँ इंडिकेशन वगैरह आई बाइक और यहाँ लाइट वगैरह का जी मिल जाता है, साइड इंडिकेटर का भी मिलेगा? नहीं सर, साइड इंडिकेटर का नहीं मिलेगा इसके अंदर, हमारे मीटर के अंदर लिमिटेड ऑप्शंस हैं जो कि नेसेसरी, जिस चीज की जरूरत है वो मिलता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। और स्विचेस वगैरह देखें तो लेफ्ट साइड में आपको 3 स्विच दिए गए हैं, ये लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से हेडलैम्प को, और ये आ जाता है साइड इंडिकेटर का जो कि पहले भी हमने दिखाया, और ये मिलता है ऑन का, और राइट साइड बिल्कुल ब्लैंक है। और इसमें हमें की और कीलेस दोनों एंट्री मिलते हैं? जी जी जी, की के साथ आपको रिमोट मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। इसमें दो रिमोट मिलते हैं, सिंगल मिलता है? सिंगल रिमोट मिलता है, सिंगल जी। रिमोट को इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और की का डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। तो इसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, जैसे सीट हाइट की बात होती है कि सीट हाइट कितना है, तो ये सीट जो है एडजस्टेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से।
ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी कर सकते हैं। इस गाड़ी को 4.5 फुट से लेकर के 6 फुट तक का आदमी आराम से चला सकता है। अच्छा, कंफर्टेबली, सीट एडजस्टेबल है। इस बाइक का वेट कितना आ जाता है? व्हाइट बाइक का वेट सर 45 kg के आसपास, 45 kg के आसपास, यानी कि हम उठा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर ट्रैफिक में है तो उठा के दूसरी साइड पे रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें कलर ऑप्शन वगैरह कितने मिल जाते हैं? कलर ऑप्शन सर इसके अंदर आपको 4 से 5 कलर मिल जाते हैं। व्हाइट मिल जाता है, ब्लू मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है, रेड मिल जाता है, येलो मिल जाता है। सारे कलर ही आपको प्रीमियम कलर मिलने वाले हैं। जनरली बाइक वगैरह या स्कूटर जो होता है रेड ब्लैक व्हाइट यही पसंद करते हैं लोग। उसका बैटरी बताइए कि ये बैटरी कितने देर में चार्ज हो जाती है और यूनिट कंज्यूम वगैरह कितना हो जाता है? देखिए सर, 4 से 5 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है। हम आपके साथ, हम आपको इसके साथ 48 वोल्ट 2.5 एम्पेयर का चार्जर देते हैं। ओके, क्योंकि आपको 4 से 5 घंटे में बैटरी को फुल चार्ज कर देते हैं। ऑटो कट ऑफ सिस्टम के साथ देते हैं। आप रात को चार्जिंग पे लगा दीजिए, बैटरी आपकी अपने आप चार्ज हो जाएगी और चार्जर अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। यानी फुल चार्ज हो जाएगा तो ऑटो कट हो जाएगा? ऑटो कट हो जाएगा, आपको जागने की जरूरत नहीं है कि चार्ज हो गई तो हम बैटरी स्विच बंद कर दें, चार्जर का ओवर चार्ज ना हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, ये होना भी चाहिए, बहुत अच्छा है सेफ्टी के लिए बैटरी के। इसका एक बार चार्जर दिखा देंगे क्या? साइज का आ रहा है कैसा है? बिल्कुल दिखा देंगे सर। तो चार्जर एक बार इसका साइज दिखाइए, क्या साइज आ जाता है? ये साइज होता है, हाँ कॉम्पैक्ट साइज है, यानी कि पोर्टेबल, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं। और इसका पॉइंट कैसा आ जाता है? इसका पॉइंट देखिए इस तरीके से 3 पिन में आ जाता है। 2 पिन में क्या होता है, गिरने के भी चांस होते हैं, इससे क्या है बैलेंस हो जाता है। नॉर्मल 5 एम्पेयर के सॉकेट में आप चार्ज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पावर स्विच नहीं चाहिए, पावर वो नहीं चाहिए। अच्छा, और साइज भी देख सकते हैं कि अगर कैरी करना चाहें तो सामने वाले पास बास्केट में आराम से आराम से कैरी कर सकते हैं। इसमें टॉप स्पीड रेंज वगैरह कैसा मिलने वाला है? देखिए सर, टॉप स्पीड इसकी जो जाती है 30 से 35 की जाती है। हाँ, जब बैटरी फुल होती है तो 40 तक भी इसकी स्पीड जाती है। हाँ, तो टॉप स्पीड इसकी 40 तक है और माइलेज आपको देता है 60 से 70 का। ओके, माइलेज 60 से 70 किलोमीटर का मिल जाता है, काफी, यानी कि अगर 10-15 किलोमीटर का राउंड अप है आपका तो 2 दिन आराम से राइड कर सकते हैं। इसमें तो लो स्पीड स्कूटर है तो हमें इसमें ड्राइविंग लाइसेंस या किसी रजिस्ट्रेशन नहीं, 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 कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। और इंश्योरेंस वगैरह का है? इंश्योरेंस वगैरह की भी जरूरत नहीं है आपको, जरूरत तो नहीं है वैसे, बट अलग से करा सकते हैं, अलग से करा सकते हैं, इंश्योरेंस हो सकता है, अगर आप कहेंगे तो करवा देंगे। ओके, कॉस्टिंग क्या आ जाता है उसका अलग से? इसका अलग से अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो 4000 के आसपास कॉस्टिंग आता है, जिसमें आपको 1+4 ईयर का इंश्योरेंस मिलता है, 1 साल का जीरो टैप मिलता है और 4 ईयर का थर्ड पार्टी मिलता है। ओके ग्रेट। आज भाई बताइए इसमें हमें वारंटी किस किस चीज पर मिलती है और कितनी मिल जाती है? देखिए सर, वारंटी की अगर बात करो तो 2 साल आपको बैटरी पे मिलती है और 1 साल पूरी गाड़ी पे मिलती है। अच्छा, 2 साल बैटरी पर, पूरी बाइक पर आपको 1 साल की वारंटी है। ओके ग्रेट। हाँ, तो अब लास्ट में देख लेते हैं कि ये स्कूटर या बाइक या लोडर बोल सकते हैं, इसका प्राइस कितना आ जाता है, यानी कि ये स्कूटर हमें अवेलेबल कितने में है? देखिए सर, इसका स्कूटर का प्राइस है अभी 44,500। ओके, अभी नवरात्रा स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारा, तो हम 44,500 में दे रहे हैं। okay. वैसे 46,500 के आसपास होता है ये इसका रेट। हाँ, हाँ. और इसमें अभी 30 मार्च तक जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, 30 मार्च तक इस पे 5000 की आपको सब्सिडी भी मिल रही है। अच्छा, 5000 आपको रिटर्न आ जाएंगे 15 से 20 दिन के अंदर। अच्छा, इस पर सब्सिडी भी 5000 है? ग्रेट, दिल्ली वालों के लिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली जिसका दिल्ली में, जिसका दिल्ली का आधार कार्ड है उसके लिए। ओके, तो फाइनली यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह भी शेयर कर दिए, किसी को बुक करना है क्योंकि आप 30 मार्च बता रहे हैं, आज 28 हो ही गया है। जी जी जी, तो आप ये बाइक खरीदना चाहते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं जी, तो हमारा ऑनलाइन नंबर है 8287999151, 8287999151, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं 24/7। और ये शोरूम का नाम है पर्पल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ये ओखला फेज 2 में है, TVS के जस्ट अपोजिट में मिलने वाला है। यहाँ बाइक और स्कूटर शोरूम का हब ही है पूरा। इस वीडियो में इतना ही, और ये आपको लोडर या बाइक या स्कूटर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और बाय द वे, अगर किसी ने लिया हुआ है, राइड किया हुआ है, तो आप अपना राइडिंग एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स, बाय बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच।